हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की जगह मुझे अब नाम देना चाहिए इसको इंटीग्रल कैलकुलस। कारण, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस पे काफ़ी कुछ अपन ने लेक्चर्स कर लिए हैं, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आपको एक नई बुक भी स्टार्ट करा दूं, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस काफ़ी सारा पोर्शन हम उसका टच कर लिया है। अब जो हमने को चाहिए इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, ताकि जब डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्व ट्रेसिंग वाला चैप्टर हम कर लेंगे या कर्व ट्रेसिंग वाला जब चैप्टर हम करेंगे, उस समय क्या होगा कि हमको जो है इंटीग्रेशन साथ साथ जो है हमारा समझ में आता चलेगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक हैं, एक तो रेक्टिफिकेशन, एक है क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर जो अभी हम करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस शुरू कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वाड्रेचर, उसके बाद हम अगला करेंगे रेक्टिफिकेशन। ये तो है क्षेत्रकलन, यानी कि एरिया निकालना। उसके बाद चापकलन, यानी चाप की लंबाई निकालना। ठीक है, इस तरह के चैप्टर उसमें आएंगे और सारी की सारी कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट जो है उसमें काम में आएगा। तो आज अपन एक नई बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। अब अगले टाइम से मैं नाम लूँगा कि हम इंटीग्रल कैलकुलस वाली बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है और कंपैरेटिवली आपको इसमें ज़्यादा इजी लगेगा, कारण के कर्व क्योंकि हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़े हुए होंगे और हमको याद होंगे, तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन का काम ज़्यादा रहेगा, तो ये बुक भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले जो एंटर होते ही बुक में पहला चैप्टर है, डेट इज क्वाड्रेचर, क्षेत्रकलन। तो ये क्या कहता है डेफिनेशन में, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया एनक्लोज बाय प्लेन कर्व इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। एक प्लेन कर्व, यानी जो एक्स वाई तल के अंदर एक कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है वाई बराबर एफ एक्स, ये कर्व है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना, इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना जो है ये कहलाता है क्वाड्रेचर, क्षेत्रकलन। तो देखें इसमें कितना आसान है, ये आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। ये क्या कहता है पहले ही आर्टिकल में कि द एरिया बाउंडेड बाय द कार्टेशियन कर्व वाई बराबर एफ एक्स। कौन सा एरिया निकालना आपको, कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स से घिरा हुआ, और किससे, द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस से घिरा हुआ, एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी। तो साहब y बराबर एफ एक्स, तो ये कर्व दिख रहा होगा आपको a से b तक जो जा रहा है, ये कर्व हो गया। x एक्सिस आपको ये दिख ही रही है, ऑर्डिनेट्स क्या है, x बराबर a और x बराबर b। तो आपको जो आर्टिकल है ये, वो ये है कि a b c d इसके बीच में जो ये एरिया आ रहा है पूरा, इसको आपको फाइंड आउट करना, ये आर्टिकल है। तो डेरिवेशन तो एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपन ज़्यादा काम में भी नहीं लेने वाले, तो मैं आपको सीधा ही बताता हूँ कि इसमें करना क्या हुआ। आपको करना ये हुआ साहब कि क्योंकि y बराबर एफ एक्स एक कर्व है और कंटिन्यूस कर्व है, एक प्रोवाइडेड है कि इट इज़ कंटिन्यूस कर्व, तो हम क्या करते हैं y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप लेते हैं ये वाली, ठीक है, और ये स्ट्रिप बहुत छोटी लेते हैं, इसकी मोटाई, इसकी जो चौड़ाई है स्ट्रिप की, डेट इज़ डी एक्स, छोटा सा एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये स्ट्रिप चलती है किस पे, इस कर्व के अलोंग, क्योंकि कंटिन्यूस कर्व है तो इसका एक सिरा स्ट्रिप का इसके अलोंग चलता रहता है। अब होता क्या है, जब हमने डी एक्स लिया वो इतना छोटा है कि जो छोटा सा आपको पॉइंट दिख रहा है ना एस आर, इसको क्योंकि बहुत माइन्यूट अपन ने डिस्टेंस लिया है, डी एक्स बहुत छोटा लिया है, तो इसको ऑलमोस्ट अपन एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा यहाँ पे, कौन सा, ये देखें आप, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा, पी आर एम एन, एक आयत बन रहा है इस टाइप का, पी आर एम एन, ये आयत इधर बीच में है ही। अब हमको जब एरिया निकालना होता है तो हम इस आयत को इस लिमिट के बीच में कहाँ से ए से बी, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट कौन कौन से लेने, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, तो इसको, इस आयत को हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्वीप करते हैं, तो ये इस जब कर्व के अलोंग चलता है तो इस पूरे एरिया को स्वीप कर देता है इसको,
पूरे एरिया को स्वीप कर देता, तो हम कह देते हैं कि इसका एरिया हमको फाइंड आउट हो गया। समझ में आई बात? तो क्या बनेगा एरिया एफ एक्स डी एक्स? क्या है एफ एक्स? तो है ये वाली चीज, एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स। एफ एक्स कर्व है ना, तो वाई लेंथ ये वाली है, ये वाली। जब आयत की बात कर रहे हैं तो वाई लेंथ है हमारे पास ये वाली, जो कि एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। और ये कितनी है? डी एक्स। तो आयत का एरिया क्या होता है? चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है? वाई है। और इसकी जो चौड़ाई कितनी है? ये है डी एक्स। तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि वाई डी एक्स। तो फिर चाहे वाई को एफ एक्स रख लो, बात बराबर है, एफ एक्स डी एक्स कर लो या वाई डी एक्स कर लो। और इस आयत को अपन चलाते हैं कहाँ से कहाँ के बीच में? एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी के बीच में अपन इसको चलाते हैं। और जब एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी के बीच में चलाते हैं तो ये पूरा एरिया जो है स्वीप आउट हो जाता है और ये एरिया फाइंड आउट हो जाता है। तो एरिया क्या बना? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स या ए टू बी वाई डी एक्स। क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पे कर्व के आपको पहुंचना होगा इसके, तो आपको क्या लेना पड़ेगा साहब? ऊंचाई लेनी पड़ेगी। ओ, और क्या होगी वो? कोई भी पॉइंट कैसे लोकेट होगा? वाई बराबर एफ एक्स होगा, ठीक है। तो ये एक खास बात इसकी हो गई है वाली। समझ में आ गई बात? तो एरिया निकालना हुआ तो अपन कैसे चलेंगे? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स या ए टू बी वाई डी एक्स। एक ये बात ध्यान में रखें। उसके बाद सब अपन आगे चले तो ये सब आप देखते रहना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये सब कर पाएंगे अपने आप भी, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये भी आप कर लेंगे आराम से। ये क्या कहता है? यदि वक्र का समीकरण जो है x बराबर एफ वाई तरीके का है तो अपन क्या ले लेंगे? एक्स टी वाई ले लेंगे, लिमिट दूसरी हो जाएगी, सी टू डी हो जाएगी लिमिट, ठीक है। फिर ये कुछ पॉइंट्स दिए, यदि किसी वक्र एक अक्ष के पारी सममित हो तो अक्ष के एक ओर का एरिया निकाल लो और डबल कर दो उसका, दो से गुणा कर दो। और अगर दोनों अक्ष के पारित सम्मित हो तो चार गुना कर दो, एक्स के पारित भी सम्मित हो, यानी कर्व ऐसा हो, ठीक है। एक्स के पारित सम्मित है ना, सॉरी वाई के पारित सम्मित है। एक्स के पारित सम्मित कर्व लेना होगा तो कैसा लेंगे? ऐसा लेंगे, मान लो कोई कर्व इस टाइप का है ये, तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो ऊपर का एरिया निकालो इतना इतना और उसको डबल कर दो तो नीचे का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझाई गई। अब अपन एक दूसरी चीज लेते हैं, मैं कॉमन एरिया ऑफ टू कार्टेशियन कर्व्स। कॉमन एरिया आपको निकालना साहब किसका? दो कार्टेशियन कर्व्स का। तो देखें कैसे है ये, कि एक ये है, ये वाला कर्व है, और एक ये वाला कर्व है। ऊपर वाला कर्व इसने कहा है y बराबर एफ वन एक्स और नीचे बराबर y बराबर एफ टू एक्स। ये दो कर्व्स हैं आपका। तो एरिया कौन सा आया दोनों के बीच में? वो आया साहब एरिया ये वाला, देखें आप ये वाला एरिया, ठीक है। ये क्या है? ए बी ए पी बी क्यू ए, ये एरिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब सीधी सी बात है, पहले समझने की है कि सबसे पहले अपन जो है एक ये ऊपर का पूरा एरिया निकाल लें, ए यहां से चले यहां चले और ये पूरा एरिया निकाल लिया, ठीक है। फिर अपन ने इस कर्व से बाउंडेड एरिया निकाल लिया, ठीक है। फिर ये जो बड़ा वाला एरिया है ना, इसमें से छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा? ये बीच वाला एरिया। ये कंसेप्ट यूज किया गया है। तो इसके तहत हमने क्या करा है साहब, कि एक एरिया अपन ने ये निकाला, कौन सा? ए टू बी एफ वन एक्स डी एक्स। ये किस कर्व के साथ है एरिया? वाई बराबर एफ वन एक्स के। और ऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी और एक्स एक्स। तो ये आपको फॉर्मूले से मालूम है, ये पढ़ा है ना अपन ने, जो पहले पढ़ा था ये वाला। और दूसरा y बराबर एफ टू एक्स, कौन सा कर्व है? ये नीचे वाला कर्व है, ये वाला जो नीचे से होकर के यूं जा रहा है। तो अब अपन इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी वही करेंगे कि एफ टू एक्स डी एक्स तो आएगा ही, क्योंकि फंक्शन बदल गया, एफ टू हो गया। और किस लिमिट में चलना है? ए टू बी लिमिट में चलना है, तो ये चलना है। तो इस बड़े वाले एरिया में से ये छोटा वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये बीच में ये वाला एरिया अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये कंसेप्ट यूज किया इसमें,
तो एक तो सिंपल एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट्स एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी के बीच का एरिया निकालना अपन ने देखा यहाँ पर, और दूसरा अपन ने क्या देखा कि दो कर्व वाई बराबर एफ वन एक्स और वाई बराबर एफ टू एक्स के बीच का जो कॉमन एरिया है वो निकालने की अपन ने बात करी, और उसका फॉर्मूला जो निकाला अपन ने ये फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, तो अभी ये जो दो आर्टिकल कर रहे हैं इसको आप समझ लें अच्छे से, और अगले टर्न से जो है अपन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा आप जो है गामा फंक्शन के बारे में देख करके आए, क्योंकि यहाँ पर कई जगह अपन जो है डायरेक्टली गामा फंक्शन यूज़ करके वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो आगे के टर्न पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेकर के आगे बढ़ेंगे, ताकि अपने को एग्जैक्टली समझ में आए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो अभी दो आर्टिकल्स आप ये लोग तैयार कर लें, अगले टर्न पर अपन वापस मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक्स।